हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आई एम अक्षय एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल कैसे बना सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल बनाना एकदम आसान है, जो कि आप एक सिंगल एक वीडियो के साथ सीख सकते हैं। तो आइए जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल कैसे बनाएं। तो उसके लिए हमने एक यहाँ पे शीट ओपन की है, बुक वन, उसमें हम टेबल बनाएंगे। सो फर्स्ट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे हमारे टेबल का नाम। तो हम हमारे टेबल का नाम देते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन एंड सेलिंग, ऐसे हम टेबल का मेन हेडिंग कर देते हैं एंड सेल्स। ओके, उसके बाद हम यहां पे फर्स्ट कॉलम लेंगे एज ए सीरियल नंबर। सीरियल नंबर फर्स्ट कॉलम लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम लेंगे एज ए प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी, QTY लिखता हूँ सिर्फ में। एंड यहाँ पे सेल्स का एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं, सेल्स का भी कॉलम मैंने ऐड कर लिया। उसके बाद हमारा अभी टेबल का बेसिक फॉर्मेटिंग रेडी हो गया। अभी हम यहाँ पे नंबर डालते हैं, सीरियल नंबर हम 5 तक सीरियल नंबर लेते हैं, 1। इसको अगर आप 1, 2, 3, 4 ऐसे भी सेट कर सकते हैं, या आप एक डायरेक्टली काम कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपके पास मल्टीपल नंबर्स है तो उसके लिए डायरेक्टली आप एक नंबर पे क्लिक कीजिए एंड उसको ड्रैग डाउन कीजिए, सो दैट यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा ड्रैग डाउन करने के बाद। सो ऑटो फिल ऑप्शन में आइए एंड यहाँ पे फिल सीरीज के ऊपर क्लिक कीजिए, सो दैट आपके पास जितने भी टोटल प्रोडक्ट्स है सभी क्या यहाँ पे सीरियल नंबर ऐड हो जाएंगे। उसके बाद हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे, एज अ फर्स्ट प्रोडक्ट ऐड करते हैं हम एज अ मोबाइल, देन कूलर, देन माइक्रोवेव, माइक्रोवेव अगेन, चार्जर, लैपटॉप एंड यहां पे हम ऐड करते हैं पेन एंड वाटर बॉटल। वाटर बॉटल एक ऐड कर लेते हैं एंड उसका क्वांटिटी यहां पे ऐड कर लेते हैं एज अ 5, 7, 10, 8, 15, 25 एंड 10 ऐसी क्वांटिटी पे ऐड कर लेते हैं। उसका सेल वैल्यू भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, जो आपके हिसाब से आप कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका सेल वैल्यू रहेगा वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो एंड मैंने यहाँ पे सभी वैल्यूज ऐड कर ली। तो अभी तो हमारा कंप्लीट टेबल तैयार हो गया, पर देखिए कि ये टेबल दिखने के लिए एकदम अच्छा नहीं दिख रहा है, तो उसको ठीक से हमें अलाइन करना होगा, फॉर्मेटिंग ठीक से करना होगा। तो उसके लिए फर्स्ट तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड सेल, ये जो कॉलम है हम इसको सेंटर में कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन पे ऊपर क्लिक करेंगे, सो दैट देखिए फ्रेंड्स हमारा जितना टोटल टेबल है उतने ही टेबल में बराबर वो सेंटर में आ गया, और यहाँ पे जितने भी सेल्स थे बीच बीच में छोटे वाले सेल्स है सभी रिमूव हो गए एंड सिंगल एक सेल ही हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए कि हमारा जो भी अभी हमारे कॉलम्स है एक एक साइड में हमारा कंप्लीट डेटा गया है, एक राइट साइड में गया है, लेफ्ट साइड में गया है। तो उसके लिए हम डायरेक्टली उसको सिलेक्ट कर लेते हैं कंप्लीट डेटा को, हेडर्स को, एंड उसको सेंटर में कर लेते हैं एंड यहाँ पे भी सेंटर में ले लेते हैं, सो दैट हमारा हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों साइड से कंप्लीट हमारा डेटा सेंटर हो जाएगा। सिमिलर फॉर द जो भी हमने डाटा नीचे ऐड किया है सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड उसको भी हम सेंटर में कर लेते हैं। सो अलाइनमेंट में एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा एज अ सेंटर, सो उसका यूज करके हम डेटा को सेंटर में ले सकते हैं, साथ ही साथ हम डेटा को राइट साइड में या लेफ्ट साइड में भी अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा डेटा अभी रेडी हो गया, अभी हमें टेबल उसको लगाना है। सो टेबल अगर हमें डेटा को ऐड करना है तो उसके लिए फर्स्ट तो हम डेटा सिलेक्ट करेंगे कंप्लीट एंड यहाँ पे देखिए फॉन्ट्स में एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा बॉटम बॉर्डर्स, तो बॉर्डर में से हम डायरेक्टली यहाँ पे टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं ऑल बॉर्डर्स, सो दैट कंप्लीट हमारे डेटा को बॉर्डर ऐड हो गई। अगर आपको सेपरेटली टेबल्स भी ऐड करने हैं सो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा इंसर्ट में, आप यहाँ पे आते हैं तो आपको डायरेक्टली टेबल का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप डायरेक्टली यहाँ पे टेबल ऐड ऐसे कर सकते हैं एंड यहाँ से आप इंसर्ट में जाके डायरेक्टली टेबल के ऊपर क्लिक करके जस्ट माय टेबल हैज हेडर को अगर आप क्लिक करते हैं, सो दैट फर्स्ट जो भी आपका रो रहेगा उसको
एज ए हेडर कंसिडर किया जाएगा एंड अपना टेबल कम्प्लीटली रेडी हो जाएगा। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे एक टेबल रेडी किया है, बट हमारे पास सिर्फ डेटा है, डेटा को हमें टेबल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए फर्स्ट तो हमने डेटा लिया अभी एंड डेटा को हमने टेबल में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमारा टेबल अभी रेडी हो गया है, बट हमारा फॉन्ट भी अच्छा नहीं दिख रहा है और यहाँ पे डार्क भी नहीं दिख रही। जो हमें अभी चाहिए कि हमारा जो भी हेडर्स है, हेडर्स से भी हमें डार्क में चाहिए। सो फर्स्ट तो हम हेडर को सिलेक्ट करेंगे एंड बोल्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। सो दैट देखिए फ्रेंड्स, हमारा डेटा अभी बोल्ड हो गया। साथ ही साथ हम जो भी हमारे कॉलम्स के नेम है उनको भी बोल्ड कर लेते हैं एंड थोड़ा इसका साइज भी हम इंक्रीज कर लेते हैं। तो साइज इंक्रीज करने के लिए डायरेक्टली आप यहाँ पे कंट्रोल दबा के डायरेक्टली स्क्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका डेटा जूम हो जाएगा। या आप डायरेक्टली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा जूम इन का, यहाँ से भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो अभी हमारा टेबल लगभग रेडी हो गया है, बट देखिए कुछ कुछ हमारे पास ऐसे ऑप्शन है जो कि हाइड हो गए। जैसे कि यहाँ पे देखिए माइक्रोवेव कंप्लीट नहीं दिख रहा है, माइक्रोवेव ठीक से नहीं दिख रहा है, साथ ही साथ वाटर बॉटल भी कंप्लीट हमें नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए अगर हमें कंप्लीट डेटा को अलाइन करना है तो डायरेक्टली उस सेल को आप सिलेक्ट कीजिए डायरेक्टली ऐसे, और यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऐसे कॉर्नर का, उसको पकड़ के थोड़ा सा ऐसा खींच लीजिए। सो दैट देखिए आपका कंप्लीट डेटा विजिबल हो रहा है। अभी ऐसे भी आप कर सकते हैं, या दूसरा तरीका है कि अगर आपका डेटा ऐसे हाइड हो गए तो डायरेक्टली आप उस कॉलम के ऊपर डायरेक्ट डबल क्लिक कर सकते हैं, सो दैट आपका डेटा फिर से कंप्लीट विजिबल हो जाएगा। उसके बाद हमारा अभी टेबल कंप्लीटली रेडी हो गए। आप इसको चाहिए तो डायरेक्टली आउटर बॉर्डर भी लगा सकते हैं, डार्क बॉर्डर भी हम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी किया। देखिए फ्रेंड्स कि हमारा आउटर बॉर्डर हमने लगा दिया, साथ ही साथ टेबल का जो हेडिंग है उसको भी मैंने बॉर्डर लगा दिया है। अभी देखिए हम जो अभी हमारे कॉलम्स के हेडिंग थे उनको भी डार्क बॉर्डर हम कर लेते हैं। तो मैंने कंप्लीट कॉलम हेडिंग सिलेक्ट किए एंड यहाँ पे डार्क बॉर्डर के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। सो दैट अभी हमारा कंप्लीट टेबल रेडी हो गए। अगर आपको अभी लगता है कि टेबल में फॉर्मेटिंग करना है, जैसे कि हमारा जो भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का कॉलम है, इसको अगर आपको लगता है कि आपका इसका कलर चेंज करना है, तो उसका बैकग्राउंड का कलर अगर हमें चेंज करना है, तो जो भी आपको कलर चाहिए जस्ट उसके ऊपर आप आपका माउस का पॉइंटर लेके सिर्फ उसके ऊपर जाइए, सो दैट आपको वहाँ पे बैक साइड में देखिए उसका कलर भी शो हो रहा है। सो लेट्स से हम यहाँ पे अभी ब्लू कलर ले लेते हैं। तो देखिए हमारा ब्लू कलर भी आ गया। अगर आपको सिमिलर कॉलम, ये जो हमने कॉलम सिलेक्ट किया है उसमें ही प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड सेल का जो अभी ब्लैक में दिख रहा है, जिसका फॉन्ट ब्लैक है, उसको अगर आपको चेंज करना है तो सिमिलर आप उसी कॉलम को फिर से सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आपको जो भी चाहिए वो फॉर्मेट आप यहाँ से डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। आपको जैसा भी कलर चाहिए, जो भी कलर चाहिए, आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्टली यहाँ पे, अगर इन सभी कलर में से आपको कलर नहीं चाहिए, कुछ अलग ही कलर चाहिए, तो डायरेक्टली आप मोर कलर्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम सिलेक्ट करेंगे एज अ ये वाला कलर हम सिलेक्ट कर देते हैं एंड यहाँ पे हम ओके के ऊपर क्लिक कर देते हैं। सो दैट देखिए हमारा एक अलग कलर रेडी हो गए, बट हम इसको अभी फिलहाल तो रेड ही रखते हैं। तो अभी हमारा फॉन्ट का कलर भी चेंज हो गया, साथ ही साथ हम हमारे जो भी कॉलम्स के हेडिंग है उनका भी कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसका हम कलर कर लेते हैं एज अ ग्रीन कलर। तो अभी हमारा कंप्लीट टेबल रेडी हो गए। तो इस प्रकार से आप कंप्लीट टेबल का फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली हमको ऑप्शन भी मिल जाता है एक्सेल में जो है फॉर्मेट टेबल का ऑप्शन। तो अगर आपको टेबल को कंप्लीट फॉर्मेटिंग करना है तो डायरेक्टली हम उस टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड फॉर्मेट टेबल्स के ऊपर अगर हमने क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं टेबल्स के। तो इन ऑप्शन को भी हम यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि हमें हमारा जो फॉर्मेटिंग टेबल है ये तीन विभागों में उनको डिवाइड किया गया है, जैसे कि फर्स्ट है लाइट कलर, मीडियम कलर्स एंड डार्क कलर्स। तो आपके हिसाब से आप यहाँ पे मीडियम कलर भी यूज कर सकते हैं, डार्क भी और लाइटर भी कलर यहाँ से यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पे ब्लैक वाला जो कलर दिख रहा है इसको हम यूज करते हैं, सो दैट हमने उसके ऊपर क्लिक किया। तो जैसे ही मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो देखिए फ्रेंड्स कि हमारे यहाँ पे डेटा शो हो रहा है, एज अ कंप्लीट डेटा हमारा यहाँ पे शो कर रहा है और यहाँ पे लिखा है नीचे माई टेबल हैज हेडर। तो अगर आपके टेबल्स में हेडर्स है, हेडर्स मतलब आपके कॉलम नेम्स अगर आपके पास है तो उसको सिलेक्ट ही रहने दीजिए, या अगर आपके पास कॉलम्स के नेम नहीं है या हेडर्स नहीं है तो उसको अनचेक भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास हमारे टेबल का हेडिंग है, हेडर्स है, तो उसके लिए हम इसको सिलेक्ट ही रखते हैं एंड जैसे ही मैंने ओके के ऊपर क्लिक किया तो देखिए फ्रेंड्स कि कंप्लीट हमारा टेबल सिलेक्ट कर हो गया है अभी।
बट यहाँ पे देखिए कि जो भी मेरा टेबल सिलेक्ट हुआ है, ये जो हमने फर्स्ट टेबल सिलेक्ट किया था, इसको ये कॉलम वन सिलेक्ट कर रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे कंट्रोल जेड कर लेते हैं। इसे कंट्रोल जेड करने से अंडो हो जाता है और आपका जो भी आपने पहले से ही किया हुआ है वो आपके पास फिर से आ जाता है। तो फर्स्ट कॉलम को अगर हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं, एंड अभी इस कंप्लीट डेटा को हम टेबल को फॉर्मेटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने पहले टेबल कंप्लीट सिलेक्ट किया हमारा, एंड यहाँ पे मैं फॉर्मेट टेबल्स के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल कलर्स है, तो इसमें से हम एक कलर चूज करते हैं, या ये ब्लैक एंड व्हाइट डार्क कलर के साथ हम प्रोसीड करेंगे। सो मैंने उसके ऊपर क्लिक किया। हमारे पास कंप्लीट टेबल के लिए हेडिंग्स भी है, सो मैं यहाँ पे चेक ही ये बॉक्स जो चेकबॉक्स है इसको चेक ही रहने देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं ओके क्लिक कर लेते हैं। सो दैट देखिए फ्रेंड्स कि अभी हमारा कंप्लीट डेटा रेडी हो गया है, एंड यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि हमारे कंप्लीट टेबल्स के हेडर्स को भी ये शो कर रहा है। और यहाँ पे देखिए हमारे पास जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया टेबल, तो हमारे पास यहाँ पे फिल्टर्स भी ऐड हो गए। तो अगर आपको लगता है कि लेट्स से कि आपको प्रोडक्ट में से सिर्फ आपको यहाँ पे मोबाइल का ही डेटा चाहिए, तो आप यहाँ से एक ड्रॉपडाउन आपको मिलेगा, यहाँ से आप सिर्फ यहाँ पे ऑल सिलेक्ट ऑल को डिसलेक्ट कर दीजिए, चेकबॉक्स को अनचेक कर दीजिए, एंड यहाँ पे सिर्फ आप मोबाइल को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। सो दैट आप अगर ओके के ऊपर क्लिक करते हैं, सो दैट सिर्फ आपको मोबाइल का ही ऑप्शन दिखाई देगा। तो इसी प्रकार से आप अपने डेटा को भी कंप्लीट फिल्टर कर सकते हैं। तो अभी हमें कंप्लीट डेटा अगर चाहिए तो यहाँ पे आप क्लियर फिल्टर्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, सो दैट आपका कंप्लीट डेटा आपको फिर से मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से आप टेबल को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। बट अगर आपको आपको ऐसा चाहिए कि आपको जो भी अभी ये फिल्टर्स मिले हैं, फिल्टर्स आपको नहीं लगाना है आपके डेटा को, तो उसके लिए आप कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करेंगे, एंड यहाँ पे टेबल टूल्स में आपको डिजाइन ऑप्शन मिल जाएगा। तो जस्ट उसके ऊपर क्लिक कीजिए, सो दैट यहाँ पे देखिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें आपको यहाँ पे ऑप्शंस है एज अ फर्स्ट कॉलम। अगर आपको फर्स्ट कॉलम को डार्क करना है तो आप यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को डार्क कर सकते हैं। सिमिलर अगर आपको लगता है कि आपको लास्ट कॉलम को डार्क करना है तो लास्ट कॉलम को भी आप डार्क कर सकते हैं। एंड यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन लास्ट में मिल जाएगा बाउंडेड कॉलम, सो दैट आपको ऐसे बाउंडेड कॉलम्स भी मिल जाएंगे। बाउंडेड कॉलम्स में उसका सिर्फ कलर चेंज हो जाएगा, तो ऐसा अभी फिलहाल तो हमें नहीं चाहिए, तो उसको अनसिलेक्ट ही रख देते हैं। एंड यहाँ पे अगर आपके पास आपके डेटा में डुप्लीकेट डेटा है, अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको डुप्लीकेट डेटा रिमूव करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, टेबल टूल्स में ही एक ऑप्शन मिल जाएगा रिमूव डुप्लीकेट। सो आप जस्ट उसके ऊपर अगर क्लिक करते हैं, सो दैट अगर आपके पास कोई भी डुप्लीकेट डेटा रहेगा तो यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन ओके। तो फिलहाल तो हमारे पास कोई डुप्लीकेट डेटा नहीं है, इसलिए हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो हमारी बात चल रही थी कि हमें यहाँ पे फिल्टर रिमूव करने हैं, हमें फिल्टर नहीं चाहिए, तो हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे, एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कन्वर्ट टू रेंज। तो जस्ट उसके ऊपर एक बार क्लिक कीजिए, सो दैट आपको एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा कि डू यू वॉन्ट टू कन्वर्ट द टेबल टू नॉर्मल रेंज। तो जस्ट यस के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड, जैसे हमने यस के ऊपर क्लिक किया तो हमारा कंप्लीट यहाँ पे फिल्टर हट गए हैं, हमारा कंप्लीट टेबल रेडी हो गए। तो यही था कि हम एक्सेल में टेबल कैसे बना सकते हैं। सो होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू। इफ यस, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।